नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो प्रसंग है प्रिय दर्शकों, ये एक नीलकंठ पक्षी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के अंत में नीलकंठ पक्षी ऐसी चार बातें बताता है, यदि कोई भी बंदा इन चार बातों पर अमल करता है तो उसके घर में कभी भी सास बहु में झगड़ा नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, कहानियां जो होती हैं हमारे जीवन में हमें अच्छी प्रेरणाएं देती हैं, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणाएं देती हैं, हमें गलत काम करने से रोकती हैं। कहानियां कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है, कहानियां प्राचीन समय की प्रचलित चली आ रही कुछ बातें होती हैं। प्रिय दर्शकों, कहानियों में जो बातें बताई जाती हैं उनका एक गूढ़ रहस्य होता है। यदि बंदा कहानी में बताई गई हुई बातों पर अमल करता है तो प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है और वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी ऐसे कार्य नहीं करता जिसके कारण उस व्यक्ति को भारी दुखों का सामना करना पड़े। प्रिय दर्शकों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यदि इस कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे और इस कहानी में बताई गई हुई बातों पर यदि आप अमल करते हैं तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा, आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी, आपके घर में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि सास बहु में झगड़ा क्यों होता है। प्रिय दर्शकों, ये हर घर की लड़ाई होती है कि हर घर में सास बहु में झगड़ा होता है। सास बहु में झगड़ा होने का कारण क्या होता है, क्यों होता है सास बहु में झगड़ा, प्रिय दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से आज आप जानेंगे। जो मेरी माता बहन, चाहे वो सास हो या बहु, यदि इस कहानी को ध्यान से सुनेंगी तो हम ये उम्मीद करते हैं कि उनका सास बहु का झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उनके घर में सदैव के लिए सुख शांति बनी रहेगी। कहानी शुरू करने से पहले, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। गर्मियों का मौसम था और गर्मियों के दिनों में एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा एक टीले पे बैठा हुआ था। दोनों का जीवन बड़ा सुखमयी था, दोनों पति पत्नी अपना जीवन आनंदमय ही गुजार रहे थे। उनके जीवन में कभी भी कोई ऐसी विपत्ति नहीं आई थी, कभी कोई ऐसा संकट नहीं आया था और न ही किसी से कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था। नीलकंठ पक्षी और उनकी पत्नी कभी ये जानते नहीं थे कि लड़ाई झगड़ा आखिरकार होता क्या है। उनके सामने यदि कोई दूसरे मनुष्य या पशु पक्षी कोई भी झगड़ा करते तो वो लोग उनको मूर्ख समझते थे। वो यही सोचते थे कि ये लोग बड़े मूर्ख हैं, ये एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। दोनों पति पत्नी जब भी उनके सामने कोई झगड़ते तो उनको समझाने की कोशिश किया करते थे। उनकी बातों को मानकर यदि कोई समझ जाता तो उसका घर का झगड़ा खत्म हो जाता था और जो नहीं समझता उनके घर में आए दिन कलह उत्पन्न होता रहता था। नीलकंठ पक्षी की समाज में कहीं पे भी कोई झगड़ा होता तो प्रिय दर्शकों, सभी उन्हें बुलाते और उनसे अपना घर का फैसला करवाया करते थे। नीलकंठ पक्षी की समाज के अलावा भी अन्य पक्षियों में भी यदि झगड़ा होता तो अन्य पक्षी भी नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी को बुलाते थे और उनके घर के झगड़े की पूरी कहानी उन दोनों पति पत्नियों को सुनाया करते थे। उसके बाद दोनों पति पत्नी उनके घर की लड़ाई को, उनके घर के झगड़े को समाप्त करते थे और सभी को बड़े प्यार से समझाया करते थे। वो कहते थे कि झगड़ा करना एक मूर्खता की निशानी होती है। जिस घर में आए दिन झगड़े होते हैं उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। जिस घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं उस घर में रहने वालों की भूखे मरने की नौबत आ जाती है। जिस घर में आए दिन झगड़े होते हैं उस घर पर भगवान कभी भी मेहरबान नहीं होते हैं।
भगवान उन लोगों से नजरें घुमा लेते हैं। इसी तरीके से नीलकंठ पक्षी और उनकी पत्नी सभी को समझाया करते थे और सभी के घरों का झगड़ा बंद किया करते थे। प्रिय दर्शकों, अब कुछ दिनों बाद अब नीलकंठ पक्षी की पत्नी गर्भवती हो जाती है। वो 4 अंडों को जन्म देती है। अंडों को जन्म देने के बाद दोनों पति पत्नी अपने अंडों की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। अब दोनों पति पत्नी के मन में बड़े बड़े अरमान सजने लगे थे। दोनों पति पत्नी यही सोचते थे कि कुछ दिनों बाद हमारे घर में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आएंगे और इन बच्चों के साथ हमारा जीवन और भी सुखमय हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी अपने अंडों की अच्छे से देखभाल किया करते थे। अब कुछ दिन निकल जाते हैं, कुछ महीने निकल जाते हैं, उसके बाद उसके अंडे पक जाते हैं और अंडे पकने के बाद चारों अंडों में से छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे नीलकंठ पक्षी के बच्चे निकलते हैं। अब नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी अपने बच्चों को पाकर बेइंतहा खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अब हमारा परिवार संपूर्ण हो गया है और अब हमें भगवान से किसी भी चीज की पाने की इच्छा नहीं है। बस अब एक ही इच्छा है कि हमारी संतान अच्छे से फले फूले और इनकी शादियां हो जाए, इनकी पत्नियां आ जाए, उसके बाद हमारे जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से उनका समय गुजरता गया और उनके बच्चे धीरे धीरे बड़े होते गए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो नीलकंठ पक्षी और उनकी पत्नी को एक चिंता सताने लगती है। ये चिंता हर माता पिता की होती है। माता पिता के जब संतान बड़ी हो जाती है तो हर माता पिता को एक चिंता सताने लगती है। हर माता पिता सोचने लगता है कि जितना जल्दी हो सके अपनी संतान का पीला हाथ करें, यानी कि उनकी शादी करें। प्रिय दर्शकों, ये एक चिंता भी होती है और एक सपना भी होता है जो हर माता पिता सजाता है। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से नीलकंठ पक्षी और उनकी पत्नी भी इस सपने को साकार करने में जुट जाते हैं। अब नीलकंठ पक्षी अपने चारों पुत्रों के लिए अपने समाज में नए नए रिश्तों की तलाश करता और अच्छी से अच्छी बहू ढूंढने की कोशिश करता। प्रिय दर्शकों, कुछ दिन निकलने के बाद नीलकंठ पक्षी को अपने पुत्रों के लिए 4 अच्छी अच्छी बहू मिल जाती हैं, सुंदर और काबिल बहू मिल जाती हैं। तो प्रिय दर्शकों, अब नीलकंठ पक्षी अपने चारों पुत्रों की शादी बड़े धूमधाम से करता है। नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी अपने पुत्रों की शादी बड़े धूमधाम से करते हैं। जब बच्चों की शादी हो जाती है तो प्रिय दर्शकों, अब नीलकंठ पक्षी के घर में 4 बहू आ जाती हैं। नीलकंठ पक्षी ने और उनकी पत्नी ने अरमान तो बड़े बड़े सजाए थे। सोचा था कि अब हमारे घर में 4 बच्चे हैं, 2 हम हैं और 4 बहू आ जाएंगी, यानी कि पूरे 10 लोगों का हमारा परिवार हो जाएगा। यही सोचकर दोनों पति पत्नी बड़े खुश थे। प्रिय दर्शकों, जब उसके घर में बहू आ जाती हैं तो बहू आने के बाद कुछ दिन शांति रहती है। उसके बाद धीरे धीरे चारों बहुओं में भी झगड़ा होने लगता है, उधर सास के साथ भी झगड़ा होने लगता है। उस नीलकंठ पक्षी की बहू यदि कुछ भी काम करती और उसकी सास को यदि रास नहीं आता तो बीच में बोल पड़ती और वो अपनी बहू से कहने लगती, री बहू ऐसा क्यों कर रही है, इसको इस तरीके से करो। तो प्रिय दर्शकों, यदि सास एक ही बात को बार बार अपनी बहू से कहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि बहू को भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगेगा। खाना बनाते समय भी नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपनी बहू को बार बार टोकती और उससे कहती, अरे बहू मिर्ची कम डाला कर, अरे बहू नमक कम डाला कर। प्रिय दर्शकों, कभी नमक तेज करने की कहती तो कभी मिर्ची कम करने की कहती, कभी मिर्ची तेज करने की कहती तो कभी नमक कम करने की कहती, कभी सब्जी में तेल ज्यादा डालने के लिए कहती तो कभी गर्म मसाला कम करने के लिए कहती। इस तरीके से अपनी बहुओं से नीलकंठ पक्षी की पत्नी रोज कुछ ना कुछ कहा करती। अब प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे
धीरे धीरे जैसे उनकी बहुओं की सह कूट जाती है और नीलकंठ पक्षी की बहू अपनी सांस से धीरे धीरे जबान लड़ाने लग जाती है। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन ऐसा आता है कि सांस बहू में जोरदार झगड़ा होने लगता है। ये देखकर नीलकंठ पक्षी भी बड़ा दुखी रहने लगता है, सोचने लगता है कि मैं अन्य लोगों के घरों का झगड़ा समाप्त करता हूं, लेकिन अब मेरे घर में ही युद्ध छिड़ गया है। इस युद्ध को रोका जाए तो कैसे रोका जाए? प्रिय दर्शकों, नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी को खूब समझाता कि तुम बीच में मत बोला करो, ये जो कर रही हैं इनको करने दीजिए। लेकिन नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपने पति से कहती है कि देखो जी, तुम सास बहू के बीच में मत बोला करो, तुम एक मर्द हो, मर्द की तरह रहो, औरतों के बीच में तुम क्यों बोलते हो? इस तरीके से कहकर नीलकंठ की पत्नी अपने पति को चुप कर देती और नीलकंठ की पत्नी कहती कि पियाजी, ये घर मेरा है, मेरी कल की आई बहू, मेरे हाथों से लाई गई बहू, यदि मुझ पे हुक्म चलाएगी तो किस तरीके से चलेगा? ये घर मेरा है, सदैव मेरा रहेगा और इस घर में हुक्म भी मेरा ही चलेगा, बहुओं का नहीं। इसी बात को कहकर नीलकंठ की पत्नी उस झगड़े को और बढ़ा देती। जब उसकी बहुओं को इस बात का पता चलता, इस बात को वो सुनती कि उनकी सास इस तरीके से कह रही है कि घर में हुक्म मेरा ही चलेगा, बहू का नहीं, तो प्रिय दर्शकों, उसकी बहू भी और ज्यादा भड़क जाती और घर में और भी ज्यादा झगड़े होने लगते। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन ऐसा आता है कि नीलकंठ की चारों बहू अलग अलग हो जाती हैं। वो कहती हैं कि हमें अब अलग अलग कर दीजिए, हम एक साथ नहीं रह सकते, यदि हम एक साथ रहेंगे तो हमारे बीच में और भी ज्यादा झगड़ा होगा। छोटी बहू कहती है कि मैं सबसे ज्यादा काम करती हूं और ये तीनों आराम फरमाती हैं, इसलिए मुझे अलग कर दीजिए। उधर को बड़ी बहू कहती है कि मैं सबसे ज्यादा काम करती हूं और ये तीनों आराम करती हैं, इसलिए मुझे अलग कर दीजिए। अब बीच वाली दोनों बहू कहती हैं कि हमारे पति सबसे ज्यादा कमा करके लाते हैं और तुम्हारे पति निठल्ले हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसलिए हमें अलग कर दीजिए, हम तुम्हें कमा कमा करके नहीं दे सकते। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से चारों बहू अपने सास और ससुर से कहती हैं कि आप लोग हमें अलग कर दीजिए। नीलकंठ पक्षी की बहुएं अपने पतियों को भी भड़काती। जब भी शाम के वक्त उनके पति उनके पास आते तो प्रिय दर्शकों, सभी अपने अपने पतियों को भड़काने में कोई कमी नहीं छोड़ती। कभी कभी तो सास और ससुर के प्रति भी भड़का देती और कभी कभी दोरानी जिठानी के प्रति भी भड़का देती। इस तरीके से उनके घर में गृह युद्ध छिड़ चुका था। अब प्रिय दर्शकों, नीलकंठ पक्षी परेशान होकर के और चारों बहुओं को अलग अलग कर देता है। प्रिय दर्शकों, अब वो जैसे ही अलग अलग हो जाते हैं तो एक ही घर में 5 चूल्हे जलने शुरू हो जाते हैं। पहले जब ये लोग एक साथ रहते थे तो प्रिय दर्शकों, इन पूरे परिवार का खाना सिर्फ एक चूल्हे पे पकता था, लेकिन अब अलग अलग होने के बाद 5 जगह चूल्हा जलना शुरू हो गया था, चारों बहुओं का और एक सास और ससुर का। इस तरीके से 5 चूल्हे एक ही घर में जलने शुरू हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, पहले यदि 100 रुपए में काम चल रहा था तो प्रिय दर्शकों, अब 500 रुपए में काम चल रहा है। पहले यदि 100 रुपए खर्च हो रहे थे तो प्रिय दर्शकों, अब 500 रुपए खर्च होने लग गए थे। प्रिय दर्शकों, अब इसी तरीके से धीरे धीरे उन लोगों का बर्बादी का समय नजदीक आ चुका था। बहुएं भी अलग होने के बाद अपने पतियों से अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए मंगवाती, कभी होटल से खाना मंगवाती तो कभी बाजार से बर्फी और नमकीन मंगवाती। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से चारों बहुओं की जीव चटोकड़ी हो जाती है और वो अपने पतियों से अब तो अच्छी अच्छी चीजें मंगवाती हैं और अच्छी अच्छी चीजें खाती हैं। ये देखकर नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी बड़े दुखी हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि अब हमारे घर की बर्बादी शुरू हो चुकी है। इसी तरीके से प्रिय दर्शकों, नीलकंठ पक्षी के बच्चे जो कमाते हैं उनका दुगना खर्च उनकी पत्नियां करवा देती। अब एक दिन ऐसा आता है कि उनके घर में खाने के लिए दाने नहीं बचते हैं।
तभी चारों बच्चे और चारों बहुएं अपनी सास और ससुर के पास जाती हैं और उनसे भीख मांगती हैं, कहती हैं कि पिताजी, सासू माँ, हम भी तुम्हारे बच्चे हैं, आज हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या आप हमारी थोड़ी बहुत सहायता कर सकते हैं। तब नीलकंठ पक्षी और उनकी पत्नी अपनी बहू और अपने पुत्रों को फिर से सीने से लगाते हैं। कहते हैं ना प्रिय दर्शकों कि पुत्र चाहे कितना भी कपूत निकल जाए लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा सीने से लगा लेते हैं। इसी तरीके से नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी अपनी बहू और अपने बेटों को वापस फिर से सीने से लगा लेती हैं और उनको नीलकंठ पक्षी चार ऐसी सबक की बातें सिखाता है। नीलकंठ पक्षी कहता है कि पुत्रों और बहुओं, तुम ध्यान से सुनो, यदि मेरी बताई गई इन चार बातों को आप अपने जीवन में याद रखोगे तो कभी भी इस तरह का हालात नहीं होंगे, और इन चार बातों को आप अपने पुत्रों को भी जरूर बताइएगा। तब नीलकंठ पक्षी कहता है, पहली बात, नीलकंठ पक्षी कहता है कि बंदी बुहारी लाख की और बिक्रिया पाचे खाक की, यानी कि एक झाड़ू के अंदर बहुत सारे तिनकों से एक झाड़ू बनती है। एक झाड़ू के अंदर बहुत सारे तिनके होते हैं और बहुत सारे तिनके मिलकर एक झाड़ू तैयार होता है। तो प्रिय दर्शकों, जब वो झाड़ू तैयार होता है तो वो लाख की झाड़ू होती है, उसका मूल्य होता है, और यदि उसकी रस्सी खोल दी जाए और झाड़ू को बिखेर दिया जाए, एक एक दिन का झाड़ू का कर दिया जाए, तो वो झाड़ू किसी काम की नहीं होती। प्रिय दर्शकों, उस झाड़ू को कोई खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा, उस झाड़ू की तरफ कोई देखेगा भी नहीं, उसको कचरा समझ के बाहर फेंक देंगे। इसीलिए नीलकंठ पक्षी अपने पुत्र और अपनी बहुओं को समझाता है, कहता है कि बंदी बुहारी लाख की और बिखरिया पाचे खाक की। दूसरी बात में नीलकंठ पक्षी कहता है कि हमेशा एकता में ताकत होती है, संगठन में ताकत होती है। यदि तुम लोग अलग अलग बिखर जाओगे तो तुमको हर कोई तोड़ सकता है, तुम्हारे अंदर फूट डालकर तुम चारों को एक दूसरे का दुश्मन बना सकता है। इसीलिए तुम चारों को एक रहना चाहिए, तुम चारों में कभी भी फूट नहीं आनी चाहिए। यदि तुम चारों में फूट आ जाएगी, तुम चारों बहुओं में भी फूट आ जाएगी, तो तुम्हारा दूसरा अन्य कोई फायदा उठा सकता है और तुम चारों को लड़ा झगड़ा कर मरवा देगा। इसीलिए हमेशा एकता रहनी चाहिए, चारों भाइयों में हमेशा एकता होनी चाहिए। यदि तुम चारों में एकता रहेगी तो तुम्हारा कोई भी दुश्मन तुम्हारी तरफ नजर उठा के नहीं दे सकता। तीसरी बात प्रिय दर्शकों, तीसरी बात नीलकंठ पक्षी पर्सनल अपने पुत्रों को समझाता है, कहता है कि पुत्रों, तुम चारों इस बात को ध्यान से सुनो। नीलकंठ पक्षी कहता है कि कभी भी अपनी पत्नी को इतने सर पे ना चढ़ाओ जो कि कभी तुम्हारी बात ना माने। यदि तुम अपनी पत्नी को ज्यादा सर पे चढ़ा लोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी का राज होगा, तुम्हारी पत्नी का ही हुक्म चलेगा। इसलिए अपनी पत्नी को कभी भी इतना सर पे मत चढ़ाओ। नीलकंठ पक्षी कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि तुम तुम्हारी पत्नियों से प्रेम मत करो, तुम तुम्हारी पत्नियों का ध्यान मत रखो, नहीं, तुम तुम्हारी पत्नियों से बे इंतहा मोहब्बत करो, बे इंतहा प्रेम करो, उनकी हर जरूरत का ख्याल भी रखो, लेकिन पत्नियां ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारी हर बात को माने। वही पत्नी होती है जो अपनी पति की हर आज्ञा का पालन करे। यदि तुम लोग अपनी पत्नियों को अपना सारा भेद बता देते हो तो एक दिन ऐसा आता है कि तुम्हारी पत्नियां तुम्हारी बात मानना बंद कर देती हैं। चौथी बात में नीलकंठ पक्षी अपने पुत्रों को समझाता है कि पुत्रों, इस चौथी बात को भी अपने पल्ले गांठ बांध लेना। नीलकंठ पक्षी कहता है कि हमेशा व्यक्ति को पांव उतने ही पसारने चाहिए जितनी उसकी गुदड़ी हो। यदि गुदड़ी से बाहर पांव निकालोगे तो आप संकट में फंस जाओगे। जिस तरीके से यदि व्यक्ति 100 रुपए कमाता है और गुदड़ी से बाहर 150 रुपए का खर्चा करता है तो उसका पतन निश्चित है, उसको कोई नहीं बचा सकता। और यदि आप 100 रुपए कमाते हैं और यदि आप 50 रुपए खर्च करते हो तो आप
धीरे धीरे कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि रोज की 50 रुपए की आप बचत कर रहे हो। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो उतने ही पांव पसारे जितने उसकी गुदड़ी हो। प्रिय दर्शकों, ये 4 अनमोल बात नीलकंठ पक्षी अपनी बहू और अपने बेटों को समझाता है, और नीलकंठ पक्षी के बहू और पुत्रों को ये 4 बात समझ में आ जाती है। उसके बाद उनका परिवार सुखमयी हो जाता है, उनके परिवार में कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते और सास बहू के झगड़े भी बंद हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं भी लेंगे। हम उम्मीद करते हैं और भगवान से ये दुआ करते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, कभी भी आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार।